मुल्तानी बरादरी दे सारे दर्शकों को मेरी नमस्ते। मैं हाँ पंपी कत्याल ते अज मैं आया होया देहरादून दे इच मिंड्रोलिंग मोनेस्ट्री दे इच। ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ते भगवान बुद्ध ते गुरु पद्म संभव दी इत्थां मूर्तियां ते चित्रकारियां लगियां हुई हैं। 5 मंजिल दे इच ए बनी हाँ हुई हाँ है। ते पहले 3 मंजिलां जड़ी हैं उदे इच सोने दे नाल सारी चित्रकारी की गई है। ते देखने हैं अभी जो आप लोग इधर आया हुआ है वो जो स्तूप मतलब वॉल पीस स्तूप नाम से पुकारता है वैसे ना जी। और इसके अंदर जो है हमारा इसको वैसे 5 मंजिल है। 5 मंजिल में से अलग अंदर वाला जो गुरुजी। गुरु पद्म संभव का शयन रूम है और इसके ऊपर बुद्ध भगवान जी का शयन रूम और इसके ऊपर जो मंडला है हमारा जो हम लोग जब पूजा करते हैं उस समय एक मंडला बना पाता है उसका वो इसमें बना हुआ है। और बिल्कुल ऊपर जो हम लोग कभी हम लोग मेडिटेट करता है ना जो उस समय जो आप ध्यान देता है ना उसकी मुताबिक वहाँ पर भगवान का वो चित्र वगैरह बना हुआ है। मेडिटेशन हाँ वगैरह वाला। मेडिटेशन के लिए। थैंक यू थैंक अच्छा यू। तो मतलब ये 5 फ्लोर्स की सैंक्टिटी क्या हाँ है? इसका यहाँ से 5 फ्लोर का मतलब क्या हुआ नहीं मतलब? मतलब नहीं है वैसे क्योंकि स्तूप में पे जो डिजाइन में स्टेप होता है मतलब अच्छा उसी मुताबिक हमने क्योंकि बहुत बड़ा है ना इसलिए अंदर वो मंदिर जैसा बना दिया शयन हर रूम। एक हर एक के अंदर मंदिर है, हाँ हाँ जी ऊपर भी हाँ मंदिर ऊपर है। से हाँ सेफ। सेफ देखो तो सारे सारे मुल्तानी भेड़ मेरा वास्ते कितने अच्छे भाग हैं साढ़े। असाई थाई बुद्धा मोनास्ट्री देहरादून खड़ोते हैं, इथाई जिथा भगवान बुद्ध ने अपने सारे जो भक्त हैं उन्होंने वास्ते दिखा है कि किवें तुसा जमीन ते बह के धीरे 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 सिद्धि प्राप्त करो ते भगवान को अपने डायरेक्ट टच कर सकते हो। ये सिद्धि दी महिमा। हम सबना को चाहिए थी भगवान के नाते मेडिटेशन करके अपने आप को साफ सुथरा मन दे द्वार दे खोल के द्वेष भावना हटा के जीवन व्यतीत करो। धन्यवाद।
ਸਾਹੁਣ ਅਤੇ ਡੇਕ ਕੇ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਬੈਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕੂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ 4-5-6 ਘੰਟੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਵੰਜੂ। ਅਤੇ ਸਾਕੂ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲਾਊਡ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। अभी आपने फर्स्ट मंजिल में देखा गुरु पद्मा संभव है ना, उसका अलग से रूप है। अच्छा, तो है वही लेकिन स्वरूप अलग है। ਅਤੇ ਸਾਕੂ ਲਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਔਰ ਵਾਈਟ ਕੇ ਹੈ, ਆਰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੋ ਆਰਟ ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਕਾ ਜੋ ਬੁੱਧ ਭਵਨ ਕਾ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਮੇ ਆਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹਾ ਉਹ ਐਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਸਮੇ। अच्छा, तो उस तरह से यहाँ पर ये स्तूप बने हुए हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के बने हुए हैं, और ये सेंटर में बड़ा साइज में जो बने हैं। ऐसे डिजाइन बना हुआ है। अच्छा, बेल शेप, बेल शेप में स्तूपा सिंबल के लिए ये बनाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सामने जड़ा बनया है ये पुराना मंदिर है ते असा हुन नवा दिठा है ते ये पहले दा है कॉम्प्लेक्स, पुराना मंदिर बनया है। खाना साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੂ ਇੱਥਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਕੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਗ ਗਿਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਡੇਗ ਗਿਨੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਚਲੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਸਮ ਕੀਤੇ ਗੁੱਡੂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤੇ ਹੋ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾ ਕੇ ਖੜੋਤੇ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰੱਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਈ ਕੋ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੁਖ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ,
यो इथाई दी शिक्षा है। देखो हर आदमी आराम नाल इथाई घूमदा पे फिरदा पे चैन नाल बैठे असा उन्हें डिठाई एक इथाई लेडी है वो अपना भगवान का नाम हिंदी पे आई चांट करेंदी पे आई मेडिटेशन नाल चांट थींदे चैंटिंग नाल बहुत कुछ प्राप्त थी वेंदे। देखो इतना ही जड़ा सा खड़ोते हैं इन्हों का यह धर्म चक्र असी असा हमने थोड़ी देर पहले ही दलाई लामा जी के चेले जड़े उन्होंने को पूछे ही भाई इनका क्या मतलब है जिमें असा कहते हैं कि भगवान पंडित जड़ा है साढ़े भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पा देंगे इन दे भी ये जड़े मंत्र हैं इन्ह मंत्रां इन दे गुरुआं ने इन्हें प्राण प्रतिष्ठा पाती है इंकू जे असा उन्दे क्लॉक वाइज डायरेक्शन घुमाओ तो उनका मतलब होंगे कि असे जेड़े पाप कर्म किते हैं बुरे कर्म किते हैं भाई भगवान साकू माफ करे सी ते कोशिश करे सो असा कि भाई दोबारा जे वो जे कर्म असा ना करूँ अपना भी भला करूँ परिवार का भी भला करूँ अपने बच्चों का भी भला करूँ ते नाल देश का हर एक का भला सोचो बुरी शैया दिमाग दान ते हर आदमी खुश रहे सुखी रहे यो भगवान दे नाल पाना। देखो हम तक घंटा चलता पे धर्मचक्र तक आवाजा भी आते पे उस घंटी की देखो यो मतलब है आवन अंदर आवन दे नाल ही यो जी आबो हवा बनवा दिए भी तक अपने आप ही अपने मन च शांति दिखाई दें दिए शांति का भाव दिखाई दें दे अपने आप को लगते कि भी असा हूँ कोई अच्छी जगह आ गया इवें अपने आप ही कोई अच्छी गाल जड़े हैं दिमाग ही आते हैं बंदा सोचता भी अच्छा है तो असा भी थोड़ा धन्यवाद करें कि तुसा साकू इतना गिन के आए ये जा भी साकू दिखाई एक नवी साकू फीलिंग भी आती पी है अच्छी गाल धन्यवाद थोड़ा बहुत जी थोड़े भरोसे असा भी असा आ गया से इतने असा भी डिग दे परमात्मा है जो करें अच्छा ही करें जी हाँ जी धन्यवाद जी।